एक फिल्म आई है जिसका नाम है 12 फेल। एक गरीब ब्राह्मण का बेटा कैसे मुश्किलों के बावजूद आईपीएस अफसर बनता है, इस विषय पर यह फिल्म आधारित है। यूं तो कहा जा रहा है कि यह फिल्म सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन इस फिल्म को जब हमने देखा तो कई गंभीर सवाल उभरने लगे। इन सवालों का जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लाइट्स कैमरा कास्ट का स्पेशल एपिसोड। विधु विनोद चोपड़ा की 12वीं फेल एक प्रेरणादायक फिल्म है जो वास्तविक जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाती है। यह हमें किसी ऐसे व्यक्ति के करीब ले जाती है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना चाहता है, यानी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। ये फिल्म दिलचस्प है और कई ऐसे भाव हमारे अंदर पैदा करती है जिसको देखकर हम रिलेट कर पाते हैं। इसकी कहानी उत्साहवर्धक है और बहुत सारी भावनाओं को पैदा करती है, लेकिन इस सपने की कहानी के पीछे एक जटिल वास्तविकता भी छिपी है। इस वीडियो में हम फिल्म के मुख्य किरदार मनोज शर्मा की यात्रा और उसके कास्ट प्रिलिम्स के बारे में बात करेंगे, जिन्हें फिल्म आसानी से नजरअंदाज कर देती है। 12वीं फेल फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो चुपचाप जातीय विशेषाधिकारों को छिपा देती है। एक व्यक्ति को उसकी जाति का क्या फायदा होता है, उसे उसकी जाति की वजह से क्या नुकसान होते हैं, इस बारे में फिल्म एकदम चुप्पी साध लेती है। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने इस बारे में एक लेख लिखा है जिसमें वो फिल्म के सीन्स का जिक्र करते हैं। जैसे एक सीन में मनोज शर्मा सीधे डीएसपी के पास दौड़कर जाता है क्योंकि स्थानीय विधायक के गुंडों के साथ उसके और उसके भाई की झड़प हो जाती है। फिर पुलिस आती है, उसके भाई को ले जाती है। वो डीएसपी के घर में घुसकर उसे ईमानदारी की दुहाई देता है। डीएसपी उसके साथ पुलिस थाने चला जाता है और उसके भाई को बचा लेता है और दोषी पुलिस वालों पर भी कार्रवाई करता है। अब जरा सोचिए कि क्या भारत में पुलिस उत्पीड़न की घटनाओं में वाकई एसपी डीएसपी ऐसा करते हैं? अगर कुछ करते भी हैं तो क्या जातीय उत्पीड़न के मामलों में कभी ऐसा होता है? ये गंभीर सवाल है। अब सवाल उठता है कि या तो मनोज शर्मा बहुत सौभाग्यशाली थे, उनका बहुत भाग्य तेजी पर था, या फिर उन्हें कहीं ना कहीं ब्राह्मण जाति से होने का कुछ फायदा मिला है। लेकिन फिल्म इस कास्ट प्रिविलेज के बारे में कोई बात नहीं करती। इस फिल्म पर यह भी आरोप है कि ब्राह्मण परिवार को जबरदस्ती गरीब दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया कि मनोज शर्मा के दादा सूबेदार अफसर थे, उनकी दादी को पेंशन मिलती है, मनोज शर्मा के पिता भी सरकारी नौकरी करते हैं, परिवार के पास बंदूक है, खेतीबाड़ी है, पशु है, लेकिन फिर भी परिवार को बहुत ज़्यादा अत्यंत गरीब दिखाया गया है। हम सब जानते हैं कि अगर किसी परिवार में एक भी आदमी सरकारी नौकरी पर होता है तो परिवार के दिन बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ एक गरीब ब्राह्मण सुदामा की कथा की तरह परिवार को बेहद गरीब दिखाया गया है। ऐसा करना कहीं ना कहीं गांव के उन वंचित वर्गों के परिवारों के साथ धोखा है, उनकी गलत छवि दिखाता है जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं और तमाम तरह के जातीय शोषण से गुजरते हैं। लेकिन फिल्म मनोज शर्मा के परिवार को विक्टिम साबित करने की जबरदस्त एक कोशिश करती है, जबरदस्ती की कोशिश इसको कह सकते हैं कि वो लगता है कि परिवार को विक्टिम साबित करना चाहती है। इससे ये गलत संदेश भी जाता है कि गांव देहात में जातियों के हिसाब से किसी को कोई फायदा नहीं मिलता, जबकि ऐसा नहीं है। गाँव में एक ब्राह्मण का घर और एक दलित का घर एक जैसा नहीं होता, कास्ट प्रिविलेज वहां पर काम करता है। शर्मा परिवार में एक अजीब सी निश्चिंता भी दिखती है कि 12वीं क्लास पास करने पर नौकरी मिल जाएगी। 1990 के दौर में जब ग्लोबलाइजेशन का दौर था तब नौकरी को लेकर ऐसी बेफिक्री बहुत आम बात नहीं थी, क्योंकि देश बाजारवाद की तरफ बढ़ रहा था, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था और उस समय हर कोई 12वीं के बाद नौकरी पाने को लेकर इतना आश्वस्त नहीं था कि नहीं अब तो पास करते ही नौकरी मिल जाएगी। तो क्या इसके पीछे किसी तरह के विशेषाधिकार की भावना है कि नहीं हमको तो मालूम ही, हमारे कॉन्टैक्ट्स हम लोग जानते हैं, ये हमको नौकरी आसानी से मिल जाएगी या वो तो मिल ही जाएगी? ये ऐसी आश्वस्तता क्यों है शर्मा परिवार में? फिल्म इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। फिल्म में जब शर्मा के ग्वालियर में सारे पैसे चोरी हो जाते हैं तो उसे रेस्टोरेंट में आसानी से खाना मिल जाता है। सवाल उठता है कि क्या एक दलित व्यक्ति को यूं आसानी से खाना मिल सकता है, जिसको टच नहीं करने देते, जिसकी परछाई से लोग अलग हो जाते हैं, क्या उसे यूं आसानी से खाना मिल जाता? ये भी सवाल है। यहीं पर उसे एक दोस्त मिल जाता है जिसका नाम प्रीतम पांडे है और वो उसे दिल्ली ले जाने में मदद भी करता है। क्या शर्मा वाकई इतना ज़्यादा सौभाग्यशाली था कि उसको एक के बाद एक मदद मिलती चली गई, या फिर उसके पीछे उसकी जाति की महीन सी डोर, बारीक सी डोर उन्हें आपस में बांधे हुए थी? फिल्म में इसका भी कोई जवाब नहीं मिलता। फिल्म में गोरी भैया नाम के एक ओबीसी कैरेक्टर के सहारे भी कास्ट स्टीरियोटाइप्स जो हैं उनको परोसने की कोशिश हुई है। गोरी मनोज शर्मा को लाइब्रेरी में काम दिलवाते हैं, उसे रहने और पढ़ने के लिए अपना घर दे देते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसके घर पे पैसा भेजते हैं। कहीं ना कहीं इसमें शूद्रों द्वारा उच्च वर्णों की सेवा भाव जैसा फील आता है कि इनकी सेवा करते रहो। साथ ही फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि ओबीसी होने की वजह से आरक्षण के कारण गोरी भैया को 4 की जगह 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, लेकिन वो फिर भी आईपीएस नहीं बन पाया और अंत में वो चाय की दुकान खोल लेता है।
गौरी भैया का किरदार कहीं ना कहीं कोटे वालों में मेरिट नहीं होती, इस ताने की तरह लगता है। फिल्म में अगर लव स्टोरी की बात करें तो मनोज शर्मा जो खुद एक ब्राह्मण हैं, वो एक ब्राह्मण लड़की श्रद्धा जोशी से ही प्यार करते हैं, यानी यहाँ लव मैरिज में कास्ट कोई लफड़ा नहीं बनती। थोड़ी सी नानुकुर के बाद श्रद्धा के पिता भी आईपीएस ब्राह्मण लड़के को अपना दामाद बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। क्या इसमें लड़के का आईपीएस होना और उसके ब्राह्मण जाति से होने की कोई भूमिका नहीं है? ये सवाल जरूरी है। क्या अगर आईपीएस लड़का दलित होता तो क्या फिर भी श्रद्धा के पिता इतनी आसानी से मान जाते या श्रद्धा उनसे प्रेम करती? ऐसे तमाम सवालों को फिल्म में टच भी नहीं किया गया। फिल्म के एक सीन में दिखाया गया है कि शर्मा का लड़का अचानक से एक आईपीएस अफसर के घर पहुंच जाता है और उसे गाइडेंस देने के लिए कहता है कि यूपीएससी का परीक्षा कैसे पास करूं, इस बारे में मुझे बताइए। वो अफसर अपनी मीटिंग के बीच में ही उसे गाइड करता है और पेपर क्रैक करने की टिप्स देता है। क्या ये विशेषाधिकार नहीं है? क्या बाकी बच्चों को भी इस तरह के ये सुविधा थी कि वो आईपीएस अफसर से सीधे टिप्स ले सके, उनको ये सुविधा थी? ये सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन फिल्म इसे एक रूटीन सीन की तरह पेश करती है और कास्ट प्रिविलेज को छुपा लेती है। फिल्म में एक हैरान करने वाला सीन तब आता है जब शर्मा का यूपीएससी में इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू की शुरुआत में ही मनोज शर्मा बहुत खराब प्रदर्शन करता है और उसे थैंक यू कर दिया जाता है, लेकिन तभी उसे दूसरा मौका भी मिल जाता है। एक महिला जो सिलेक्शन पैनल में, वो कहती है कि बाहर जाके वेट करो। क्या बाकी जाति के कैंडिडेट्स को भी यूं सेकेंड चांस कभी मिलता है? क्या इससे इंटरव्यू बोर्ड के पैनलिस्ट के जातीय पूर्वाग्रह यानी कास्ट स्टीरियोटाइप्स की बू नहीं आती है? लेकिन फिल्म इंटरव्यू बोर्ड की सामाजिक संरचना, जातीय संरचना के बारे में बात नहीं करती। तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति के रूप में भी शर्मा को सरल सी अंग्रेजी समझने में भी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद इंटरव्यू बोर्ड उनके प्रति सहानुभूति रखता है, ना सिर्फ उन्हें दूसरा मौका देता है बल्कि उन्हें हिंदी भाषी होने पर शाबाशी भी देता है। अगर शर्मा हिंदी की जगह तमिल, तेलुगु या मराठी भाषी होते तो क्या इंटरव्यू बोर्ड फिर भी उन्हें इसी नज़र से देखता? यहाँ भाषा के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकार को भी साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन फिल्म इससे डील ही नहीं करती। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या इंटरव्यू बोर्ड में मनोज शर्मा को उसके ब्राह्मण जाति का होने की वजह से कास्ट प्रिविलेज नहीं मिला? क्या अगर मनोज शर्मा की जगह मनोज जाटव होता, मनोज वाल्मीकि होता या मनोज यादव जो है वो यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा होता तो क्या तब भी इंटरव्यू बोर्ड के लोग उसके साथ इसी तरह से पेश आते? ये गंभीर सवाल है जिसका जवाब फिल्म में नहीं मिलता। भारत एक जाति प्रधान देश है और यहाँ जातियों के हिसाब से ना सिर्फ आपकी सामाजिक हैसियत तय होती है बल्कि आपको शिक्षा और नौकरियों के अवसर भी जाति देखकर ही मिलते हैं। मनोज शर्मा को अपनी पूरी यात्रा में कई तरह के कास्ट प्रिविलेज मिलते हैं, लेकिन फिल्म जाति और जाति के साथ मिलने वाले जातीय विशेषाधिकारों को एकदम खारिज करती है। फिल्म में जबरदस्ती ब्राह्मण लड़कियों को खुद्दार, मेहनती, संघर्षशील और तपस्वी टाइप दिखाया गया है, जबकि उसे जाति की वजह से जातिवाद का शिकार नहीं होना पड़ा, उसे जाति के ताने नहीं मिले, उसे मेरिट के नाम पर साथियों ने परेशान नहीं किया, उसे कोटे वाला होने जैसे ताने नहीं सहने पड़े, उसका जाति के नाम पर उत्पीड़न नहीं हुआ, प्रोफेसर ने, टीचर ने उसको जाति के ताने नहीं दिए, लेकिन फिर भी उसे बार बार गरीब दिखाकर एक गरीब ब्राह्मण सुदामा टाइप की कहानी पिरो दी गई है। ना कोई सवाल पूछता है और ना कोई उसके पीछे के जवाब तलाशने की कोशिश करता है। यूं तो ये फिल्म असली आईपीएस अफसर मनोज शर्मा की जिंदगी पर लिखी गई किताब 12th फेल पर आधारित है और उनके संघर्ष को दिखाती है, लेकिन मनोज शर्मा को शायद ये पता भी नहीं होगा कि उसके लिए सारे दरवाजे इतनी आसानी से क्यों खुल रहे हैं। उसके और उसके दूसरे जो साथी हैं ये उनके लिए सोचना आसान है कि वो क्योंकि कड़ी मेहनत करते थे, बहुत मेहनती थे, बहुत संघर्षशील थे, इसलिए वो कामयाब हो गए, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये पूरी कहानी नहीं है। 12th फेल फिल्म के रिव्यू पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपको लाइट्स कैमरा कास्ट का ये एपिसोड कैसा लगा इस बारे में ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अज़रा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB0000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।